है। भ्रष्टाचारी तो वो खुद है, एक लुटेरे लोगों को जो लोग भगोड़े हैं, यहाँ के पैसे लेके गए हैं, बैंक लूटे हैं, कर्जा यानी इंडस्ट्रीज के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे चंद लोग बैंकों से LIC से पैसे उठाकर अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं और चंद लोग को भाग जा रहे हैं। उनके पीछे तो ये नहीं गिरे, उनको तो कुछ भी नहीं बोल रहे, उनके बारे में इंक्वायरी करने को तैयार नहीं, JPC करने को तैयार नहीं। राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत राहुल गांधी के सरकारी बंगले से। राहुल गांधी का सरकारी बंगला खाली करने का आदेश आ गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का यह कहना है कि राहुल गांधी को किसी सरकारी बंगले के मोहताज नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार गांधी परिवार से सब कुछ इसलिए छीन लेना चाहती है क्योंकि आज मोदी डरी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से डर रही है, राहुल गांधी से डर रही है। लेकिन सीधे सीधे तौर पर यह देखा गया कि हाल ही में जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जाता है कांग्रेस पार्टी के कुछ मुख्यालयों की तरफ में, तो ये चीजें अब निकलकर कांग्रेस जो है वो साफ तौर पर बता रही है कि अडानी का जो पूरा मुद्दा है उसको छुपाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिस तरीके से आज मोदी राज में तानाशाही हो रही है, ये बताता है कि सरकार आज राहुल गांधी से डरी हुई है। देखिए रिपोर्ट। भ्रष्टाचारी तो वो खुद है, एक लुटेरे लोगों को जो लोग भगोड़े हैं, यहाँ के पैसे लेके गए हैं, बैंक लूटे हैं, कर्जा यानी इंडस्ट्रीज के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे चंद लोग बैंकों से LIC से पैसे उठाकर अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं और चंद लोग तो भाग जा रहे हैं। उनके पीछे तो ये नहीं गिरे, उनको तो कुछ भी नहीं बोल रहे, उनके बारे में इंक्वायरी करने को तैयार नहीं, JPC करने को तैयार नहीं। तो क्या वो करप्ट है, करप्ट लोगों के साथ मिले हैं क्या? हम तो करप्ट लोगों को सपोर्ट वो कर रहे हैं। ये चोर उल्टा कोतवाल को डांटे ऐसी बात हो रही है कि हम तो उसकी चोरी पकड़ रहे हैं। उन्होंने जो अदानी को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, उनके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं, ये हम उनसे पूछ रहे हैं। वो उल्टा हमको बोल रहे हैं सारे अपोजिशन के लोग भ्रष्ट हैं अपने भ्रष्टाचार छुपाने के लिए। अरे आप तो बड़े बड़े चोरियां करके उनको डिफेंड करते जा रहे हैं और दूसरों को आप चोर बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर एक अपनी बात जब रखते हैं उसको कुछ उसमें सत्यता होना चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहते कि सिर्फ दूसरों को अपमान करना, यही उनका धर्म है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से मौजूदा समय के जो हालात है वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि कितना बड़ा जो ये पूरा मामला चल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी से मोदी सरकार का डरना, भाजपा के तमाम नेताओं का, मंत्रियों का डरना। तो क्या राहुल गांधी वाकई 2024 में बहुत आगे निकल रहे थे PM मोदी से, इसलिए 2023 में ही उनका रास्ता रोक दिया गया? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।